शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल जश्न की रात है और तुम्हें इस जश्न में शामिल होना है। तैयार रहना। जितनी खुशी तुम्हें इस शादी की है ना, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे है रागिन, क्योंकि कल तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। पूरा चेहरा खराब कर दिया मेरा। क्या ये? अरे भाई, मैं तेरी खुशियों में तेरा साथ दे रहा हूँ। तेरी शादी है ना, तुझे दूल्हा बना रहा हूँ मैं। यही तो चाहता था ना तू? फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि श्रद्धा कैसी है, कहाँ है ना? तू भी मुझे ताने मारेगा। श्रद्धा की वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। अपने तमाशे की मुझे वजह नहीं बता रही है और मैडम माइके में जाके आराम फरमा रही है। अरे तू ऐसा बोल भी कैसे सकता है? तुझे अंदाजा भी है कि श्रद्धा पे क्या बीत रही होगी, पर तू यहाँ अपनी शादी की तैयारी कर रहा है? शादी की तैयारी नहीं कर रहा, रागिनी को धक्के मार के इस घर से निकालने की तैयारी कर रहा हूँ। ये देख, मंडप पर बैठने से पहले साइन करवा लूंगा उससे। अबे ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, अगर उसने साइन नहीं किया तो? नहीं, इस बार तो मैं उससे साइन करवा कर ही मानूंगा। मानोगी नहीं ना तुम, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें अभी दिखाती। अरे अरे अरे, इतना क्या गुस्सा? हम तो लड़के वालों की तरफ से हल्दी का पानी लेकर आए थे। अब शादी में समय भी कम है और तुम्हें भी कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो हमने शॉर्टकट मार लिया। तुम्हें तो ना मैं रिश्ते में ना, हम तुम्हारी जेठानी और तुम हमारी देवरानी लगती हो, और देवरानी को ना जेठानी के सामने हमेशा नजरें झुकाकर बात करनी चाहिए। तो आइंदा ध्यान रहे। अभी तो शुरुआत ही हुई है रागिनी, आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि मंडप का रास्ता ही भूल जाओगी। भूल गई हो सब, अपने ही पति की बलि चढ़वा रही हूँ उस रागिनी के हाथों। श्रद्धा, श्रद्धा कुछ ही घंटे बचे और तुम अपने मायके जाकर क्यों बैठ गई हो? अब कुछ नहीं हो सकता है बुआ जी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। कहाँ है हमारी वो श्रद्धा जो कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटती थी? कहाँ है हमारी वो श्रद्धा जिसके लिए चाहे जिंदगी छूट जाए, अगर रिश्तों को वो कभी नहीं छोड़ सकती। अब वो श्रद्धा भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो होना है वही होगा बुआ जी। और बेहतर यही है कि अब आप इस सच को मान लीजिए और अभय और रागिनी की शादी में शामिल हो जाइए। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। श्रद्धा, क्यों कर रही हो तुम ये? कम से कम अपनी माँ को तो बताओ। मम्मा, मम्मा। मम्मा, हम घर कब जाएंगे? मुझे पापा की बहुत याद आती है मम्मा। प्लीज मम्मा, थोड़ी दिन के लिए घर चलो ना, प्लीज। अब क्या जवाब दोगी इन्हें, बताओ? कैसे समझाओगी? श्रद्धा चुप क्यों हो, कुछ बोलो। मम्मी, मैं चाहकर भी आपको पूरी बात नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखिए,
मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। और बच्चों, आप दोनों ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी घर वापस चलेंगे, और इस बार हमेशा के लिए। लेकिन अभी बस थोड़ा सा सब्र और। अच्छे से देख के मेकअप करना हमारे होने वाली बहुरानी का। हमारा मतलब है कि दुल्हन वाली चमक दिखनी चाहिए, ऐसी चमक जिसे देखकर पूरे मोहल्ले की आंखें ना बस फटी की फटी रह जाए। बड़ी जल्दी पार्टी बदल दी आपने, कल तक तो श्रद्धा के नारे लगा रही थी। जब श्रद्धा ने हार मान ली है तो हम क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी अच्छा हुआ ना पता चल गया कि वो सिर्फ बड़ बोली है, बोलती रहती है, बाकी उससे कुछ होगा नहीं। लेकिन तुम तो तेज तरार हो, सुंदर हो, और तुम्हें पता है हमें ना हमेशा से ऐसी ही बहू चाहिए थी। लगता है आप लोग पहली बार काम कर रहे। अरे दुल्हनिया का लहंगा आने से पहले आप मेकअप कैसे शुरू कर सकते हैं जी? हम दुल्हन का लहंगा लेकर आ गए। अरे वाह कीर्ति रानी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। रागिनी अब तुम ना अपनी आंखें बंद करके आराम से इस कुर्सी पर पसर जाओ, क्योंकि जब तुम अपनी आंखें खोलोगी ना तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हमारा मतलब था कि तुम बहुत सुंदर दुल्हन जो बनने वाली हो। ये लीजिए, ये है लहंगा। इसके ना एक एक रंग को अच्छे से देखिए, क्योंकि यही रंग ना इनके चेहरे पे खिलने चाहिए। चले कीर्ति रानी, अब मेकअप दीदी को उनका काम करने देते हैं। अगर ऐसे हम यहाँ भिनभिनाते रहे तो इनका मेकअप खराब हो जाएगा। चले, मेकअप चढ़ेगा ही नहीं तो होगा कैसे? माफी देते, ये चुड़ैल ऐसे चेहरे के साथ कैसे मंडप तक पहुंचती हो? मंडप तक बात नहीं पहुंचेगी पापा, थोड़ा तो भरोसा रखिए मुझ पे। उससे पहले ही रागिनी से साइन करवा लूंगा। अरे पर उस रागिनी का क्या भरोसा है? अगर वो कह देगी कि हमें मूड नहीं है साइन करने का तो फिर तुम क्या करोगे? तब इसे मूड बनाना पड़ेगा ना मेरे लेने का, है ना? कुछ भी मत बोल भाई, शादी नहीं होगी पर मुझे किसी भी हालत पे अपना मकसद पूरा करना ही है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।